हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज बहुत दिनों बाद ये वीडियो डाल रही हूँ। ये मेरा कॉलेज का पार्टी था तो उसकी वीडियो मैंने बनाई थी, तो सोचा चलो डाल दूँ अपनी याद के लिए, एक मेमोरी के लिए। तो ये देखिए हम लोग का कॉलेज, और कॉलेज बहुत अच्छे से डेकोरेट हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी हम लोग जा रहे हैं, बेदी लोग सब लोग जा रहे हैं कॉलेज के अंदर। तो कॉलेज का व्यू देखिए आप लोग, कितनी सुंदर लग रही है, कि बहुत ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट किया गया था। और हम लोग साड़ी पहन के गए थे, क्योंकि हम लोग आपस में जो दीदी लोग हैं, क्लासमेट लोग, और हम लोग ने सब लोग मिलकर ये डिसाइड किया था कि हम लोग साड़ी पहन के आएंगे, पार्टी है तो सब लोग साड़ी पहन के आए थे। तो कौन मैम है और कौन स्टूडेंट है कुछ पता नहीं चल रहा था। और ये है हॉल जहाँ पे प्रोग्राम शुरू हुआ था। बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आए थे, जितने बच्चे कॉलेज के सब आए थे। हॉल में अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था, अभी अरेंज ही हो रहा था सब कुछ। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए अभी हम लोग अपने क्लासरूम में बैठे हैं। देख लीजिए, ये हम लोग का क्लासरूम है और हम लोग सारे क्लासमेट इसमें बैठे हुए हैं। अभी थोड़ी सी बातचीत हो रही थी। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि कॉलेज का 4 ब्रांच चलता है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं, 1 से 8, फिर 8 से 12, और फिर 12 से BA चलता है, और B.ed भी चलता है। 4 ब्रांच चलता है, इसलिए बहुत ज़्यादा बच्चे हैं कॉलेज में। तो सारे बच्चे आए थे, प्रोग्राम था तो इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ था। हॉल पूरा भीड़ से लगा हुआ था। और यहाँ पे सारे जो हम लोग B.ed के न्यू फ्रेशर हैं, जो लोग अभी फर्स्ट ईयर में हैं, वो लोग जो अतिथि आने वाले थे, गेस्ट, उनका स्वागत के लिए, वेलकम करने के लिए यहाँ पे खड़े थे लाइन से। हम लोग आ चुके हैं हॉल में जहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था, और जितने बच्चे जो पार्टिसिपेट किए थे प्रोग्राम में, वो लोग यहाँ पे खड़े हैं सब अपना अपना बारी आने के लिए। और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए ये लोग फ़ैन के पास खड़े थे ताकि इनका मेकअप ख़राब ना हो। और ड्रेसअप भी इन लोग का बहुत हैवी था, इसलिए इन लोग को शायद ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी। और मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो बना रही थी बीच बीच में। और ये मेरी फ्रेंड है, क्लासमेट है, ये भी क्लासमेट है, सब लोग मेरे क्लासमेट हैं, हम लोग साथ में बैठे थे। और मेरे क्लासमेट सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत। जब मैं कॉलेज जाने वाली थी तो सोचती थी कि कैसे होंगे, क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, कैसे एडजस्ट करूँगी उन लोग के साथ, लेकिन सब लोग इतने अच्छे हैं कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। ऐसा लगता है जैसे सबको बहुत पहले से जानती हूँ, सब लोग बहुत अच्छे हैं। और ये मेरे सब्जेक्ट की है, इनका भी इंग्लिश ऑनर्स है, हम दोनों साथ ही रहते हैं ज़्यादातर। और जो गार्जियन सभी दीदी लोग यहीं पे बैठी थी, ज़्यादातर सब लोग MA करके ही आए हैं और PG करके, और कुछ लोग हैं जो BA करके आए हैं, जैसे एक मैं हूँ, और कुछ कुछ हैं जो BA करके ही गए हैं। नहीं तो सब लोग MA PG करके ही आए हैं। बहुत कम है जो देखने के लिए आए हैं, मतलब साड़ी पहन के ही आए, तो बहुत अच्छा लग रहा था जो कार्यक्रम। ये देखिए प्रोग्राम शुरू हो चुका है, और यहाँ पर सरस्वती वंदना हो रहा है। लड़की डांस कर रही है और एक लड़की सरस्वती जी बन के बैठी है चेयर पर। बहुत अच्छा ये डांस की थी, और यहाँ का सॉन्ग भी बहुत अच्छा था। सॉरी मैं सॉन्ग नहीं डाली, क्योंकि सॉन्ग डालने का कोई ये नहीं होता है, कॉपीराइट आता है यूट्यूब पर अगर सॉन्ग आप लेते हैं तो इसलिए मैं सॉन्ग तो नहीं डाल सकती, लेकिन दिखा देती हूँ आप लोगों को अपना कॉलेज का प्रोग्राम। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था, हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, हम लोग बहुत एंजॉय किए थे, लेकिन बहुत लंबा चला गया था तो बैठे बैठे मन उब गया था। गर्मी लग रही थी, इसलिए अगर ठंडा का दिन होता तो अच्छा लगता, बट गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, और ऊपर से हम लोगों ने साड़ी पहन के मेकअप करके गए थे तो और ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा मुझे, सरस्वती जी वाला डांस जो लड़की कर रही, वो बहुत अच्छा डांस कर रही थी। 2-3 प्रोग्राम में इसने पार्टिसिपेट किया था, शायद ये BTC की स्टूडेंट है, मुझे अभी बहुत ज़्यादा नहीं पता क्योंकि अभी हम लोग फ्रेशर हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, बहुत ज़्यादा, इतने सारे फ़ैन चल रहे थे फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था,
क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बच्चे बहुत ज़्यादा आए थे क्योंकि सब भी बच्चों को आना अनिवार्य था, इसलिए सब लोग आए थे। और ऑर्गेनाइजेशन अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा प्रोग्राम अभी शुरू नहीं हुआ है, होने ही वाला है। आज संस्थापक दिवस है कॉलेज का, मतलब कि आज ही के दिन कॉलेज शुरू हुआ था, तो हर साल मनाया जाता है। अभी तो हम लोग फ्रेशर हैं तो ये हम लोग का फर्स्ट पार्टी था, और ये गेस्ट जो आए थे वो अभी आ रहे हैं। तो बहुत बड़े बड़े नेता और एक्टर लोग आए थे, मैं सबका नाम नहीं जानती, पर सब लोग बहुत लोग आए थे। और इन लोग को ज़्यादा टाइम नहीं होता इसलिए थोड़ा थोड़ा देर पे चले जाते हैं, बीच बीच में फिर दूसरे लोग आ रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये डांस भी बहुत अच्छा हुआ था, कृष्ण और राधा का डांस था ये, और राधा कृष्ण का सॉन्ग भी चल रहा था, बट सॉन्ग तो नहीं डाल सकती, वीडियो ही आप लोगों को दिखा रही हूँ। अच्छे से क्लैरिटी नहीं आ रही है वीडियो में क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और वीडियो नहीं ले पाई, ठीक से जितना ले पाया उतना ही डाल दी हूँ, और मैं बस अपने याद के लिए ये सब वीडियो डाल रही हूँ। तो अगर आप लोगों को कोई कुछ अच्छा ना लगा तो उसके लिए सॉरी, मैं बस अपने यादों के लिए इस सब सारे वीडियो को संजो रही हूँ यूट्यूब पर, क्योंकि यहाँ से डिलीट होने का कोई चांस नहीं होता है जब तक मैं ना करूँ। ये राधा कृष्ण का डांस बहुत अच्छा लग रहा था, इन लोग का एक्सप्रेशन और डांस सब कुछ बहुत अच्छा था, सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। ये प्रोग्राम देखिए आप लोग, ये सबसे अच्छा प्रोग्राम लगा मुझे, क्योंकि ये जो पुलवामा में सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में हुआ था, और ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारे लिए आर्मी मैन लोग हमारे देश के लिए बहुत करते हैं, पर हम लोग उनके लिए क्या करते हैं, कुछ भी तो नहीं, कम से कम दिल में रिस्पेक्ट तो होना चाहिए। तो ये प्रोग्राम देखकर सब लोग इमोशनल हो गए थे, सब लोग खड़े हो गए थे और सबकी आँखों में आंसू आ गई थी,
क्योंकि सॉन्ग ऐसा चल रहा था और डांस ऐसा था, ऐसे प्रेजेंट किया गया था ड्रामा के रूप में, तो बहुत अच्छा लगा और सब लोग इमोशनल हो गए इसलिए। और जितने भी प्रोग्राम हुए सबसे अच्छा मुझे यही लगा और मैंने इसे बहुत अच्छे से देखा और वीडियो भी बनाया, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है इसलिए थोड़ी अच्छे से क्लियर नहीं आ रही थी, क्योंकि आगे लोग खड़े हो जा रहे थे तो अच्छे से दिख भी नहीं रहा था। तो जितना हो सका उतना मैंने बनाया, आप लोग भी एंजॉय करिए। देखिए संस्थापक दिवस समारोह 1 अगस्त 2019, इसी दिन 1 अगस्त को ही कॉलेज शुरू हुआ था, तो हर 1 अगस्त को ये समारोह मनाया जाता है। बट हम लोग फ्रेशर हैं तो हम लोग का पहला ये था पार्टी, और फ्रेशर पार्टी भी इसी में हो गया था हम लोग का वेलकम पार्टी। जो B.ed के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं फ्रेशर, उन लोग का वेलकम पार्टी भी इसी में कर दिया गया था, तो हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया। खासकर हम लोगों ने अपने क्लासमेट जितने दीदी लोग हैं उन लोगों के साथ एंजॉय किया, क्योंकि हमारे क्लास में सब लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं सब लोग। चलिए आप लोग एंजॉय करिए। और यहाँ पे छोटे बच्चे डांस कर रहे थे ले जा सॉन्ग पे, बहुत अच्छा लग रहा था। छोटे बच्चों का डांस तो बहुत अच्छा लगता ही है और ये छोटे बच्चे बहुत अच्छे डांस कर रहे थे, तो इसका भी मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था। बहुत सारे प्रोग्राम हुए थे पर इतना अगर मैं रिकॉर्ड करने बैठ जाती तो 2 घंटे का वीडियो बन जाता, तो थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड किया था बस, और बहुत सारे मैंने स्किप कर दिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता इसलिए। और ये देखिए कितने अच्छे से एक्सप्रेशन दे रही हैं छोटी बच्चियाँ और डांस कर रही हैं। सॉन्ग तो नहीं डाल पाई बट डांस देख लीजिए आप लोग। ये सब मैं बस अपने याद के लिए वीडियो डाल रही हूँ और कुछ नहीं है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइएगा। ये भैया लोग डांस किए थे, ये लोग बहुत अच्छा डांस किए थे। ये लोग डांस ट्रेनिंग लेते हैं शायद, इन लोग का एकेडमी चलता है डांसिंग एकेडमी, इसलिए ये लोग बहुत अच्छा डांस करते हैं। तो इन लोग का डांस मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था, तो इसलिए मैंने इसका भी थोड़ा सा वीडियो बना लिया था। देख लिया आप लोग इतना अच्छा डांस कर रहे हैं ये लोग। ये लोग हर साल डांस करते हैं, उन्होंने वहाँ के टीचर लोग बता रहे थे, ये लोग हर साल डांस करते हैं और ये लोग बहुत अच्छा डांस करते हैं, देख सकते हैं। अभी हम लोगों में से मेरे क्लास में से बस 2-3 लड़कियां ही पार्टिसिपेट की थी, क्योंकि हम लोग का अभी कोई आइडिया नहीं था। हम लोग फ्रेशर हैं तो अभी कॉलेज में क्या है कैसे है सिस्टम प्रोसेस कुछ हम लोग को उतना आइडिया नहीं था, इसलिए हम लोग ने अभी पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब से जब भी पार्टी होगा या कोई भी प्रोग्राम होगा तो हम लोग ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। एंजॉय करिए आप लोग भी, कितना अच्छा डांस कर रहे हैं भैया लोग, देखिए।
यहाँ पे जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किए थे उनको प्राइज़ दिया जा रहा है। जो गेस्ट आए थे वो प्राइज़ दे रहे हैं सबको। और ये जो बीच में खड़े हैं वो कॉलेज के मैनेजर है और ये उनकी वाइफ हैं, इन्हीं का कॉलेज है। तो ये लोग प्राइज़ दिलवा रहे हैं बच्चे को, सारे बच्चों को जो पार्टिसिपेट किए थे। सारे बच्चे बहुत खुश है प्राइज़ ले लेके। सब लोग नीचे आ रहे थे बहुत खुश होके और अपना प्राइज़ दिखा रहे थे सबको, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये दीदी लोग मेरी क्लासमेट हैं, सब लोग साथ में पढ़ते हैं हम लोग। तो मैं थोड़ा सा वीडियो बना रही थी दीदी लोग का भी। अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, यहाँ पे खाना भी बना हुआ था तो सारे बच्चों को खाना भी ज़रूरी था, तो वही थोड़ा थोड़े हम लोग खा लिए थे। वैसे मन नहीं था पर फिर भी खा लिए थे हम लोग। हम लोग प्रोग्राम देख चुके हैं, अभी भी प्रोग्राम चल रहा है बट शाम हो गया, तो अब हम लोग घर जा रहे हैं। घर जाने की तैयारी में है हम लोग। और यहाँ पे थोड़े से खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। देखिए कॉलेज का व्यू कितना अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा था। इतने अच्छे से डेकोरेट हुआ था कि बहुत अच्छा लग रहा था। और फर्स्ट पार्टी था हम लोग का कॉलेज में, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये हम लोग की क्लासमेट जो दीदी लोग थोड़े से मस्ती कर रही थी, तो मैं वही रिकॉर्ड करके दिखा रही हूँ आप लोग को। सब लोग बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा लगता है उन लोग के साथ। अब हम लोग जा रहे हैं घर, कॉलेज से हम लोग बाहर निकल रहे हैं। ये सब कुछ बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था और बच्चे इधर पानी पी रहे हैं और यहाँ पे सब लोग सेल्फी ले रहे हैं। ये मेन गेट है कॉलेज का, सब लोग सेल्फी ले रहे हैं अपना अपना। बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। वीडियो देख लिया आप लोगों ने तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा फ्रेशर पार्टी। तब के लिए बाय।